मैंने आइस इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे बताया गया था इट्स गोइंग टू कीप मी एक्टिव और मुझे पढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। पहले तो मैं शुरू में कभी कभार दोस्तों की महफिल में बैठ के चर्स पी लेता था। रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाट आई वाज बीइंग टोल्ड एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दैट्स व्हाट आई नो। लोग मुझसे बात नहीं करते। आई कैन नॉट टेल एनीवन अबाउट एनीथिंग बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू मी इफ आई टेल देम व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। यूनिवर्सिटी गया तो मुझे एक दोस्त मिला, उसने मुझे कहा कि तुम हवा में उड़ने का तजुर्बा करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है मेरा जवाब हाँ में था। उसने मुझे एक LSD नामी ड्रग दी, वो लेना था और फिर मेरी जिंदगी एक तबाही की जानिब चल पड़ी और मेरा जिंदगी का एक बदतरीन सफर शुरू हुआ। फ्रेंड से, फैमिली से सबसे कट ऑफ होके रह गई हूँ और मेरी सोशल लाइफ, आई कैन नॉट सी एनी लाइफ इन दैट। डोंट गेट इनटू ऑल द स्टफ, लोग जो बताते हैं रियलिटी उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप सिर्फ खुद के लिए नहीं अजाब करते बल्कि आप अपनी पूरी फैमिली को, यू गेट इनटू इट और आपकी पूरी फैमिली बदनाम होके रह जाती है। मैंने जितना वक्त उसके लिए जिंदगी की आसानियां इकट्ठे करने की कोशिश की, अगर उस वक्त से बहुत कम वक्त मैं खुद उसकी अपनी रोजमर्रा की मसरूफियत पर देता तो शायद जब वो इस दुनिया से गया था तो मुझे लोगों से ये ना छुपाना पड़ता कि उसकी मौत किस वजह से वाकई हुई है। बहुत सारी चीजें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं लेकिन बच्चों से गफलत कभी आपको ऐसे मकाम पर लाकर खड़ा करती है कि उससे बड़ा पछतावा और कोई नहीं होता। मैं एक माँ हूं, मैंने अपने बेटे को लम्हा लम्हा बढ़ते देखा और फिर पल पल उसे मरते देखा है। ये जहर बेचने वाले न जाने क्यों नहीं सोचते कि ये एक शख्स को मौत नहीं बेच रहे, कि एक ख़ानदान को समाजी मौत दे रहे हैं। आज मैं किसी को ये बताने के काबिल नहीं हूँ कि मेरा बेटा क्यों मर गया जवानी में, लेकिन वो अब हमें नहीं।